يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम दोस्तों साथियों अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हमें बार बार यहूदियों ईसाइयों के साथ दोस्ती लगाने से मना फरमाया। कहीं पे फरमाया है ईमान वालों यहूदियों ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ, जब तुम पे बस चल गया तो ये तुम्हारे खिलाफ जुबान तुम्हारे खिलाफ हाथ भी चलाएंगे। कहीं पे फरमाया ईमान वालों तुम अपना राजदान यहूदियों और ईसाइयों को ना बनाओ। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईमान वालों यहूदी तुम्हारे कभी भी नहीं हो सकते, ईसाई तुम्हारे कभी भी नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दोस्त बन जाएं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उनका तुम्हारे साथ ताल्लुक सिर्फ अपने मतलब के लिए होगा, अपने फायदे के लिए, अपनी किसी गरज के लिए होगा, वरना यहूदी ईसाई तुम्हारे दोस्त बन सकते ही नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशफिक मेहरबान और रहमत वाला कोई भी नहीं, हुजूर से ज्यादा मसलहत वाला कोई भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ पैगंबर, ये यहूदी और ईसाई ये तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते। तो जो हमारे पैगंबर से नहीं राजी हो सकते, हालांकि हमारे पैगंबर ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, वो मुशफिक और मेहरबान पैगंबर जो रहमतें बिखेरने के लिए आया, यहूदी हमारे पैगंबर के नहीं हो सकते वो हमारे कैसे हो सकते, ईसाई हमारे पैगंबर के नहीं हो सकते वो हमारे कैसे हो सकते हैं। अल्लाह करे आज के मुसलमानों की बात समझ में आ जाए कि यहूदी और ईसाई हमारे हो सकते ही नहीं है, कुरान का फैसला है। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि यहूदी हमारे हो सकते हैं तो इसका मतलब हमने कुरान के फैसले को झुठला दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों तुम्हारे सबसे ज्यादा मुखालिफ कौम यहूदियों की, वैसे तो मुशरिक भी इस्लाम के मुखालिफ, ईसाई भी इस्लाम के मुखालिफ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुखालिफ कौम ईसाइयों से भी ज्यादा और मुशरिकों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा कुरान में है कि सबसे ज्यादा तुम्हारे जो मुखालिफ कौम है वो यहूदियों की है और सबसे ज्यादा दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले भी यहूदी हैं। शुरू से लेकर अब तक अंदरूनी साजिशें इस्लाम के खिलाफ, प्रोपेगेंडे इस्लाम के खिलाफ, प्लानिंग शुरू से लेके आज तक जो की है सबसे ज्यादा वो यहूदियों ने की है। इतनी ज्यादा पैगंबर के खिलाफ साजिशें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कत्ल की साजिशें हुई, कत्ल की प्लानिंग हुई, मंसूबे हुए और पूरी पूरी कोशिश की गई हमारे पैगंबर को कत्ल करने की, शहीद करने की। उनमें सरे फहरिस्त ये यहूदी लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में जहर दिया गया और जहर देने वाली एक यहूदिया औरत थी, तो पैगंबर को जहर देकर शहीद करने की जो कोशिश की गई वो यहूदियों ने किया। ऊपर ऊपर से इस्लाम का लिबास ओढ़कर मुसलमानों में जो घुसे हुए लोग थे, अंदर से काफिर थे, वो सारे के सारे यहूदी थे। यानी हुजूर के दौर में जो ऊपर ऊपर से इस्लाम का दावा करते थे, जिसको कुरान की ज़बान में मुनाफिक कहा है, कुरान की एक पूरी सूरत इन मुनाफिकों के बारे में है, कुरान के पूरे पूरे रुकू इन मुनाफिकों के बारे में है। और मुनाफिक किनको कहते हैं? जो अंदर से काफिर, ऊपर से इस्लाम का दावा। तो जो अंदर से काफिर थे वो ईसाई नहीं, वो कोई और मजहब के मानने वाले नहीं, वो
वो यही यहूदीयत मजहब के मानने वाले थे। ये यहूदी कौम थी कि जिन्होंने सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। ये यहूदी कौम थी कि जिसने हमारे पैगंबर के खिलाफ साजिशें की, हमारे पैगंबर के खिलाफ प्लानिंग की और हत्ता के मुसलमानों को आपस में लड़वाने वाली कौम भी यहूदियों की है। सहाबे इकराम को अगर आपस में लड़वाया, सहाबे इकराम की अगर आपस में जंगें करवाई, अगरचे सहाबे इकराम सारे के सारे मुखलिस थे, उनकी जंग हुई गलत फहमी की वजह से, लेकिन गलत फहमी फैलाने वाले यही यहूदी लोग थे। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम एक मजबूत ताकत बन चुका है, इस्लाम एक मजबूत हुकूमत बन चुकी है, यहूदियों को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने साजिश की, प्लानिंग की, कुछ बंदे इनके शहीद किए और मशहूर कर दिया कि उन्होंने किए, कुछ उनके शहीद कर दिए, मशहूर किया कि इन्होंने किए। ये गलत फहमी की वजह से आपस में लड़ पड़े। लड़वाने वाले यही लोग थे, यहूदी लोग थे। तो पूरी कुरान की तारीख और पैगंबर का फरमान इस बात पर गवाह है कि यहूदी कभी भी मुसलमानों के खैर खा, मुसलमानों के खैर खा हो सकते ही नहीं है। जो हमारे पैगंबर के खैर खा नहीं, जो कुरान के खैर खा नहीं, हमारे मजहब के खैर खा नहीं, हम ये क्यों समझ बैठे हैं कि यहूदी हमारे खैर खा हैं।